नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मेंथॉल के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन द्वारा नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपके दिमाग से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मेंथॉल के सिम्टम। होम्योपैथिक मेडिसिन मेंथॉल मेंथा के तेल से बनाई जाती है। नासाग्रसनी यानी नाक की नलियों की स्लैस्टिक झिल्लियाँ और मेरुस्नायु जालिका पर इसकी क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप स्नायुक दर्द यानी नाड़ियों में दर्द तथा अवसंवेदन जैसी अवस्था ठीक हो जाती है। मेंथॉल औषधि तेज जुकाम, कान की नलियों से बहने वाले पीर, गले में सूजन, स्वर यंत्र में सूजन, तंत्रिका शूल आदि रोगों को ठीक करने में काफ़ी लाभकारी औषधि है। यह खुजली के रोग को ठीक करने में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। यह खुजली के रोग को ठीक करने के लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है। मेंथॉल औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों को रोग को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी है, जैसे सिर से संबंधित लक्षण। रोगी के माथे पर दर्द होता है तथा दर्द का असर पूरे सिर में फैल जाता है और नीचे के नेत्र गोलकों तक दर्द होता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को मानसिक परेशानियां होने लगती है। बाईं आंख के ऊपर दर्द होता है, चेहरे पर दर्द के साथ शून्यपन उत्पन्न हो जाती है, तो कभी कभी तो रोगी को सर्दी जुकाम भी हो जाता है और इसके साथ ही नाक के पिछले भाग में रेशा यानी श्लेष्मा टपकता रहता है। नाक पर ठंड महसूस होती है, कान से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं तथा बहरेपन की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। बहरेपन की भी शिकायत होती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए मेंथॉल औषधि का सेवन कराना चाहिए। श्वसन संस्थान से संबंधित लक्षण। रोगी के गले में गुदगुदाहट महसूस होती है, हृदय में दर्द होता है तथा दर्द ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस भाग में किसी ने छुरा भोंक दिया हो। दर्द का असर धीरे धीरे पूरे छाती में फैल जाता है। रोगी को रुक रुक कर खांसी होती है तथा धूम्रपान करने में खांसी बढ़ती है। रोगी यदि धूम्रपान करता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है। रोगी का श्वास दम्मा रोग से पीड़ित रोगी जैसा होता है तथा उसके साथ ही सिर में खून का संचालन अधिक होता है। रोगी के सिर में खून का संचालन अधिक होता है, जिसके कारण सिर में दर्द होता है। इस प्रकार श्वसन संस्थान से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी रोगी को हो गया हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए मेंथॉल औषधि का उपयोग करना फायदेमंद होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण। रोगी के गर्दन की पेशियों में दर्द होता है तथा उसके साथ ही कमर की पेशियों में भी दर्द होता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेंथॉल औषधि का उपयोग काफ़ी श्रेयस्कर होता है। संबंध रिलेशन। कालीबाई तथा स्पाइजलिया औषधि कुछ गुणों की तुलना मेंथॉल औषधि से आप कर सकते हैं। मात्रा डोजेज। मेंथॉल औषधि की छठी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। खुजली के रोग को ठीक करने के लिए इसकी 10% घोल या मलह के रूप में भी बायक प्रयोग किया जाता है। अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर तत्व जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।